बीजेपी के एक विधायक जो जीत कर यहाँ से जा रहे हैं, वो जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ जो कार्यकर्ता है वो आपको दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पे एक बीजेपी के चेहरे के साथ ये सभी महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हैं। मेघालय की सबसे खूबसूरत तस्वीरों में से एक इसलिए है क्योंकि भले ही बीजेपी उतनी सीटें न ला पाई हो, लेकिन जितने भी चेहरे हैं उन चेहरों के जीत का जश्न यहाँ पे कार्यकर्ता मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बकायदा बैंड की धुन पर, यहाँ ढोल नगाड़े नहीं बजते हैं, बैंड की धुन पर अपने म्यूजिकल बैंड के लिए प्रदेश जाना भी जाता है, उस धुन पर ये सभी कार्यकर्ता घूम रहे हैं। यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये क्लियर पता है कि एनपीपी के साथ गठबंधन हर हाल में होने जा रहा है, और यही वजह है कि वो इस तरीके से मेघालय में डांस करते हुए, नृत्य करते हुए और वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प आज का मुकाबला रहा है जिसमें मेघालय ने हर नेता के, हर पार्टी के चेहरे को शिकन ला दिया, लेकिन जो आखिर जो चुनाव परिणाम है उसमें सूरत यही बनती है कि एनपीपी और बीजेपी गठबंधन होने जा रहा है, जिसके लिए मुलाकातें पहले ही हेमंत बिस्वा शर्मा कोनाट संगमा से कर चुके हैं और उस मुलाकात के कई बड़े मायने हैं। तस्वीर बहुत जल्दी क्लियर हो जानी है, फिर से शालिनी का रुख करूंगी। बिल्कुल, मेघालय की तस्वीर रीमा ने आपको बता दी, नागालैंड की भी जो अभी तक की सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी। अब जरा त्रिपुरा की भी बात कर लेते हैं। तीनों ही वो राज्य जहाँ पर 60-60-60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े गए थे, हालांकि अगर मैं नागालैंड की बात करूँ यहाँ तो 59 सीट थी, लेकिन त्रिपुरा में हाल यही है कि बीजेपी प्लस फिलहाल आराम से यहाँ पर बनाती हुई सरकार अपनी दिखाई दे रही है। जश्न, होली के रंग, सब कुछ त्रिपुरा में दिखाई दे रहा है। अच्छा, खास बात यह कि 53 सीटों के नतीजे घोषित हो भी चुके हैं, 7 अभी भी हालांकि बाकी है, और इसमें 28 सीटों के ऊपर बीजेपी को जीत मिल चुकी है, तो 2 सीट और चाहिए बीजेपी को। और ये जो अभी तक का नतीजा है त्रिपुरा का, उसमें मानिक साहा के साथ न्यूज 18 इंडिया ने बातचीत की, हालांकि वो ये कह रहे थे कि सुनामी आने वाली है, जीत सुनामी जैसी तो नहीं है पर फिर भी जीत तो जीत होती है। क्या कहा है मानिक साहा ने, सुनाते हैं आपको। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा, सिर्फ 9 महीने का कार्यकाल करीब रहा है आपका, लेकिन जीत का सेहरा तो बंधेगा आपके सर। देखिए, ये तो 9 महीना हो या 6 महीना हो, जो भी हो, तो हमने तो बैटन लिया था, तो हम लोग का जो कार्यक्रम जो है सिंगली नहीं होता, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार पहले से विप्लव जी उसको चला रहे थे, मैंने उनसे बैटन लिया और आगे बढ़ाया, और इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे इस तरह। सुबह से फ़ोन किसके किसके आ चुके, प्रधानमंत्री से मुबारकबाद मिल गई? नहीं, वो अभी बात होगा, गृहमंत्री से सबसे बात होगा। बिल्कुल खुश हैं जीत से? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हैं, लेकिन दायित्व तो फिर आ रहा है हम लोग, खुश मतलब खुश हूँ, लेकिन दायित्व तो कैसे फिर से निभाना है इसको लेके अभी से सोच रहा हूँ। तो मतलब इसका मतलब यह है कि चीफ मिनिस्टर हूँ, चीफ मिनिस्टर रहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने मेरा कहने का मतलब है जो भी दायित्व तो देता है, कोई भी दायित्व, तो हमेशा जीते हूँ तो एमएलए तो बना हूँ, तो इसका भी दायित्व है, तो इसीलिए सोच रहा हूँ फिर से, इतना बड़ा जनता विश्वास किए हैं तो इनका विश्वास रखना चाहिए हम लोग। जनता ने फिर से विश्वास किया है, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे जरूर पूरा करूंगा, मानिक साहा को कहते हुए। आपने सुना, नागालैंड में यहाँ खामोशी जरूर है, त्रिपुरा में ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, जश्न भी मनाया जा रहा है, दिल्ली तक आज कुछ यही तस्वीर दिखाई देगी क्योंकि रात 8 बजे ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन त्रिपुरा में क्या चल रहा है? मेरे सहयोगी अमित वहीं पर मौजूद है, उनका हम रुख कर लेते हैं। अमित, दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए, यहाँ पर 12 बजे से ही त्रिपुरा बीजेपी कार्यालय में इस तरीके से जश्न का माहौल लगातार संगीत बन रहा है, और इसके अलावा इस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता है, वो बैठे हुए हैं, सेलिब्रेशन मना रहे हैं। तो एक छोटी होली यहाँ पर अगरतला के त्रिपुरा बीजेपी कार्यालय में मन रही, ये तो एक चीज है। दूसरी चीज, अभी थोड़ी देर पहले सीएम मानिक शाह यहाँ से निकले, संबित पात्रा भी निकले हैं, वो देवी के दर्शन करने के लिए निकले हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी इस जीत की वो लगभग पूरी होती हुई दिख रही है, राजा वो जीत के एवज में वो दर्शन करने जा रहे हैं। तो एक दर्शन का भी रुख हमें देखने को मिल रहा है, और सेलिब्रेशन का भी यहाँ पर उत्साह का दौर हमें देखने को मिल रहा है। 12 बजे से लगातार दूसरी बार जब बीजेपी इस प्रदेश में सत्ता में वापसी करती हुई दिख रही है, और
हमें ये भी याद रखना होगा कि यहाँ पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सबके यहाँ पर दौरे थे और लगातार फोकस इस बात का किया जाता था कि केंद्र सरकार की जो योजना है वो जन जन तक पहुंचे और त्रिपुर सुंदरी माता का जो जिक्र है पीएम मोदी हमेशा करते थे। और शायद अब आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो बात है, पीएम मोदी की जो बात है, वो सुनती भी प्रतीत हो रही है और इसीलिए ऐसा जश्न का माहौल हमें यहाँ पर त्रिपुरा में देखने को मिल रहा है। जी, त्रिपुरा की भी ये तस्वीर आपने देखी। आप देखिए अमित की आवाज भी थोड़ी मंद पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि बाहर जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं और जैसा कहा कि हल्का बहुत होली का रंग भी दिखाई दे रहा है, तो वो जो जश्न है वो बहुत तेज है इस वक्त त्रिपुरा के अंदर। अब चलिए एक बार फिर से नागालैंड में, चूंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ दीमापुर में हूँ, तो जरा नागालैंड का जो आंकड़ा है एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। देखिए 49 सीटों के ऊपर नतीजे आ चुके हैं, ये तय है कि एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार तो बन रही है। बाकी जो नतीजे अभी नहीं आए हैं उसके पहले भी ये पता है कि एनडीपीपी और बीजेपी की सरकार बन रही है, या बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में है। वजह ये है क्योंकि 20 सीटों के ऊपर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और इसके अलावा एनडीपीपी ने चुनाव लड़ा 40 सीटों के ऊपर, तो 49 सीटों का रिजल्ट आ चुका है। सीएम नेफ्यू रियो जीत चुके हैं।